देन पुत्र मित्र चंद्र छत्र नहीं नहीं कौन बारी आ चुकी है तारे यानी कि मीटर इसने रोक के रखा है मेरे को यहां हां पक्का जा रहा हूं अभी पक्का पर जो आंखें हैं ना जो आंखें देख सकती हैं भाई मित्रों ये रास्ता सच्ची बहुत ज्यादा खतरनाक है ओ दे किसी गुफा के बीच उत्ते बहुत हो गई ओवर एक्टिंग मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत करते हैं थोड़ा अपने आज वाले वीडियो व्लॉग के अंदर आज वाले व्लॉग विच थानू मैं अपने सफर दिया कुछ खास खासियतें दिखाऊंगा चाहवांगा दरअसल धर्मकोट हीरे पन्निया नगा अते टुटे हुए तारियां लिए मशहूर है जी हाँ तुसी बिल्कुल सही सुनिया सो इस वीडियो का सब तो पहला टॉपिक रहेगा धर्मकोट सो आओ आपां जानते हैं धर्मकोट दियां कुछ खासियतां धर्मकोट योगा मेडिटेशन चक्रा हीलिंग ते क्रिस्टल्स लिए मशहूर है वैसे तो धर्मकोट एक निक्का जिहा शहर है जो कि इंडियंस लिए तो पता नहीं पर इजराइलीज लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपना कॉलेज पूरा करने तो बाद इत्थे आके योगा मेडिटेशन या फिर चक्रा हीलिंग सीखते हैं कहने में क्यों भैया तो यार देखो भाई भी इतने कुछ ना कुछ डिजाइन कर रहा है व्हाट डिड यू मेक राइट नाउ ज्वेलरी देन पुत्र मित्र चंद्र छत्र means son of the sun student of the moon okay bro have a good time bye मेरे नाल ने अयान भाजी क्रिस्टल्स दे माहिर हुण आपां इन्हां नाल जावांगे क्रिस्टल्स दी शॉप ते ते नाले आपणे लई खरीदां कोई क्रिस्टल नाले थोनू दिखावांगे कुछ क्रिस्टल जस्ट धर्मकोट दी एंट्रेंस दे विच जदों आउटडोर एडवेंचर शुरू होऊगा ते इहदे बिल्कुल माइक क्रिस्टल शॉप है ना आ देखो भी आपां नूं तां जानकारी है नहीं इन्हां चीज़ां बारे सो आपां सारी बागडोर फड़ा दित्ती आ कोच साहब दे हत्थे आ हुण कोच साहब आप होणगे मोहरे क्रिस्टल और अपने में वो स्टोन में फर्क क्या होता है भाई क्रिस्टल जो होता है इसमें आते हैं दो तरीके के ना मतलब एक तो आता है सेमी प्रेशियस और आता है प्रेशियस प्रेशियस में खाली चार स्टोन आते हैं अच्छा डायमंड सबसे पहले फिर आता है सफायर ब्लू सफायर ओके फिर आता है रूबी या फिर आता है एमराल्ड ठीक है ना फिर किंग ऑफ सेमी प्रेशियस होता है अच्छा किंग जो किंग होता है सेमी प्रेशियस का उसमें अलेक्जेंड्राइट जो डायमंड को भी पीछे छोड़ सकता है क्योंकि जो अलेक्जेंड्राइट स्टोन है वो रशिया से निकलता है अच्छा ठीक है तो जो वहाँ का किंग था अलेक्जेंड्रा अलेक्जेंड्राइट ओके तो रशिया से उसी ने उसका नाम रखा था अलेक्जेंड्राइट क्योंकि उसको मिला था वो एक दिन में वो स्टोन सात कलर चेंज करता है कुदरत सेवन कलर चेंज अच्छा तो वैसे स्टोन भी है दुनिया के अंदर और स्टोन यहाँ से नहीं खाली आते गिर के मीटराइट भी आते स्पेस से हाँ वो मैं कल रात पढ़ रहा था हाँ वो मेरे पास मीटराइट भी है अच्छा वो भी रखे स्पेस वाले स्टोन और फॉसिलाइज जो पानी होता है हजारों साल पुराना क्रिस्टल के अंदर बंद और वो मूव होता है पानी वैसे स्टोन्स भी है और फॉसिलाइज ट्री होते हैं फॉसिलाइज ओके स्टोन्स के अंदर ट्री वो भी है मेरे पास तो अलग अलग स्टोन्स होते हैं जो से एम्बर आता है एम्बर में होता है इंसेक्ट्स ना जैसे बी वगैरह बटरफ्लाई वगैरह लेजर्ड आते हैं वैसे स्टोन्स भी है नेचुरल मच्छर हां उसके अंदर वो भी है मेरे पास अच्छा तो अलग अलग स्टोन्स का मीनिंग ही अलग अलग ठीक है भाई जितने भी क्रिस्टल और स्टोन्स यूज करते हैं यहीं से लेते हैं भाई के पास से और इसके अंदर है टूरमलिन नहीं नहीं एक्सपेंसिव समथिंग रियल इन्नी महंगी चीज़ जो किसी के हाथ च फड़ा देनी तो डर तो लगना ही है तो बाई का डर बिल्कुल जायज़ आ कोई प्रॉब्लम नहीं पर जिहड़ी चीज़ इस टाइम मैं हाथ च फड़ी आ ये भी बहुत कीमती आ इहदा रेट मैं तुहानूं दस नहीं सकदा बट मैं इन्ना दस सकदा कि यह 2 लाख प्लस का आ जी हुण वारी आ चुकी आ तारे यानी कि मीटरहर्ट्ज़ दी ये इसमें आजकल चाइनीज़ भी बेच रहे हैं चाइना वाला ग्लास फेक तो इसकी पहचान होती है माउंट वाइट की जैसे ये है ना मतलब इसमें कुदरती पैटर्न ठीक है ना ये एक जैसा नहीं आएगा अच्छा इसमें कांटे टाइप का होता है जो रियल होता है ओके ये कांटे कांटे ठीक है ना ये तो ये रियल है भाई मोल्ड भाई ये सब रियल है ये सारे मेटल है क्योंकि एक जैसा कोई पीस नहीं है सेम क्योंकि जैसे ऊपर वाले ने फेस अपना डिफरेंट बनाया है ना पहचान के लिए वैसे ही ये भी पीसेस डिफरेंट नहीं होंगे एक जैसा कभी नहीं होगा एक जैसा होगा तो फैक्ट्री में होगा ये होता है हाई लेवल एनर्जीज के लिए टू कॉन्टैक्ट विद द एंजल्स जो पावरफुल हीलर होते हैं ना वो होल्ड कर सकते हैं स्टोन खाली नॉर्मल पीपल कैन नॉट होल्ड दिस स्टोन दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टोन एंड व्हेन यू होल्ड दिस स्टोन इट विल मेक योर हार्ट बीट वेरी फास्ट टू फील इट
ओके तो वो है ये सब। पर चलो गर्लफ्रेंड को बोल तो सकते हैं तेरे ये तारा तोड़ के लिया आया मैंने भाई सब कुछ पॉसिबल हो गया आजकल यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਾਈਟ ਪਾਲ। ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ tattoo. इस टाइम असी अपर धर्मकोट की ईडीएम हॉल की बालकनी के अंदर बैठे हुए हैं जिथों की दिखता है धर्मशाला मकलौड़गंज ते बागसू। एक चीज दिखाई मैं भुल गया ही भाई इतने मच्छर एडे एडे देख लो। वैसे तो जिथे मेरा लास्ट दिन आ वो कुछ घरद्या वास्ते क्रिस्टल्स खरीदने से स्टोनस खरीदने से दैट्स वाई मैं थोड़ा टाइम रुकया हुआ सी। फाइनली अज 3 बजे निकलना सीगा मैं तो सानू रेस्टोरेंट ते बैठे बैठे 3 बज गए। रब ने जिन्हू जिथे मिलाना ना उन्हें आपे कोई ना कोई कहानी घड़ के उन्हें उत्थे कल्ले देना होंदा। हुण उस रात जे मैनू होटल मिल जांदा यार भाई ना मेरी यारी नहीं पैनी बस मैं कोलों ना गया ना सीगा भाजी दे जेकर तुसी भी ट्रैवलर हो तो तुसी आ हाली फीलिंग समझ सकते हो जिहड़ी फीलिंग इस टाइम मैनू आ रही है। वापस मुड़ के देखने का रूल नहीं है अगर देखोगे थोड़ा सा होता है। हले थोड़ा ही उत्ते गया सेगा मतलब पूरा अपर धर्मकोट भी नहीं क्रॉस किया सी उत्थे मैनू एक होर मित्र मिल गया अमेरिका तो ईजी हाँ ईजी सी इहदा नाम सही दसा इतो अगे वधन दा बड़ा मन जिहा नहीं सी कर रहा क्योंकि मन ही ना लगा सी उस जगह ते तो मैं आयान भाई नूं फेर सद लिया उत्ते। चल दोपहर में आके थोड़ा टाइम अगर मैं दोपहर में भी निकलूंगा तो मुझे बस जो 6 बजे के बाद मिलेगी तो वो तो वैसे भी 6 बजे के बाद आज भी 6 बजे के बाद मिलेगी पर हुन ना डबल माइंडेड जे हो रहा है पर मैं निकल रहा मैं फाइनल हुन बस उठ रहा मैं काम पे निकल रहा मैं निकल रहा नहीं मैं तक सट के निकल जाऊं मैं फायदा नहीं है तू एक दिन और खराब करेगा यहां पे देख मैं तुझे बता दिया
आज ये है मेरे रुकने में प्रॉब्लम नहीं है, कल तक रुक सकता हूँ, लेकिन कल फिर भी ना थोड़ा प्रेशर, कल का पूरा दिन भी वो ऐसा हो जाएगा ना, मैं अब और इरिटेट नहीं होना चाहता, आज मैं माइंड मेकअप कर चुका हूँ, तो सुबह तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, तो वो वाला सीन है। कल अगर जाऊँगा तो कल फिर पूरा दिन मुझे वो लट के रहना पड़ेगा यार, हाँ जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। चलो यार मैं निकलता हूँ, बकवास मत कर यार। यार ये बंदा भी मेरा भी मन बना रहा है यार, इसने देखो इसने रोक के रखा है मेरे को यहाँ पे। अरे रहने दे, नहीं नहीं भाई भाई नहीं नहीं नहीं, तू जहाँ भी होगा, तू जहाँ भी होगा मैं आऊंगा वहाँ पे। देखो ये भी रह गई, सुन नहीं मैं तेरे को बता देता हूँ, मजाक सेट, मैं आज तो मैं निकल जाता हूँ, मैं जब वापस आऊंगा मैं तेरे को कॉल करता हूँ, तेरा अगर वहाँ पे मन लग गया तो रह तू वहीं पे, तेरा अगर मन ना लगा तो साथ में आते, फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है या अगली इसको भी खींच लूंगा, टेंशन ना ले, इसको भी खींच लूंगा, बताया क्या था, थ्री इडियट्स बनाएंगे लड़के, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, एक रूम ढूंढेंगे, ऐसा रूम ढूंढेंगे जिसमें बड़ा रूम हो, किचन विचन हो, साथ में खाएंगे पियेंगे बनाएंगे, क्या दिक्कत है। और अगर मान लो किसी को यह नहीं भाई, अलग अलग वाला सेट, नहाना अलग अलग है, नहाना अलग अलग है, हाँ वो तो नहाना क्या, सारी चीज अलग अलग है, अलग अलग। मैं सोचा देख भी पिंदा इदा तो इतों जा नहीं होना, तू चौक सोटी निकल, इतों निकल के इन्हों कह। ओके दोस्तों जिंदाबाद, मिलता हूँ आपको ऊपर जाके, फोन करूंगा ऊपर जाके। फाइनली मन बना लिया हूँ ऊपर जाने जाना, चाहे लेट हो गया बस जाने जाना। हाँ पक्का जा रहा हूँ अभी पक्का। वाहेगुरु भली करे। लो जी हुण आपां चढ़न जा रहे हैं हिमालिया की पहली पौड़ी। यो सेम ही रास्ता है जिहदे उत्ते तुर के आपां गल्लू वाटरफॉल गए सी। जेकर तुसीं ओह वीडियो नहीं देखी तो उत्ते आई बटन च लिंक आ रहा है, पहला भज के जाके ओह वीडियो देख आओ। पानी लैके तुरो कहण लगा सी, पानी लग पिया ना चाहुंदे होए भी रुकना पै रिहा। मेरे मूहरे सब तो वड्डी मुश्किल इह सी कि मैं बहुत लेट तुरिया सी, उत्तों कल्ला सी ते रात जल्दी होण वाली सी ते जंगली जानवरां दा भी खतरा सी। भाई सच जाण्यो ये रास्ते उन्ने भी आसान नहीं जिन्ने देखण नूं लगदे ने। इत्थे आके मेरी थोड़ी जी फिकर घट हो गई, पहला मैनू लग्गिया सी मैं उत्ते जाण वाला कल्ला ही मुसाफिर हाँ, पर फिर मैनू बाई ऐश ते बाई सिड दा साथ मिल गया। तेज और सक हाय भाई जानो तो इसको परेशान कर देगा मैंने। हुण सानू तुरदियां नू डेढ़ घंटा हो चुकिया सी ते तुसी देख ही सकते हो इस डेढ़ घंटे विच असी किड्डी उच्ची आ चुके हैं, पर जो आंखें हैं ना, जो आंखें देख सकती हैं भाई। अंकल जी आए हुशियारपुर तो, अंकल जी मैं वीडियो बना रहा जी, आप यूट्यूब पर पाउनी है जी, पा दिए अंकल जी, देखो जी अंकल जी की हिम्मत देखो तुम, मैं तो यह कहना पंजाबी हो, मैं तो बड़ी खुशी हुई अंकल देख के यार। मित्रों ये रास्ता सच्ची बहुत ज़्यादा खतरनाक आ, जेकर तुम यह त्रिउंड ट्रैक करना चाहते हो एक शूज़ ते नाल एक सोटी, ये दो चीज़ां जरूर कैरी करो ते जिन्ना घट हो सकता उन्ना घट भार कैरी करो। फाइनली एक पानी वाला खोखा आ गया जिथों असी अपना पानी दोबारा तो रीफिल कर सकते हैं, तो नाले खाण पीन भी इतों ब्रैड ऑमलेट मैगी वगैरह मिल जाती है। तुहानू मैं दस देवां पानी 20 रुपए लीटर इतों मिलना है, इदों उच्ची चल जाऊंगे तुहानू होर महंगा पानी मिली जाना, और पानी तुसीं अपनी बोतल च भी भरना है तां वी तुहानू इत्थे पैसों का पानी देणगे। बई
आया कैफे अंकल हुनी वैसे तो बंद कर देंगे कहते भी अं 5 बजे सवेर तो खोल दी तो 5 बजे बंद कर दिया पर फिर भी 6 बज गया तो अंकल हुनी फिर भी खोल के बैठे बहुत वधिया गल थैंक यू सो मच फॉर अंकल बहुत हो गई ओवर एक्टिंग खा पी रहा मजे ले रहा इतों अंकल जी पानी दे देंगे 20 रुपए नू लीटर उदा थानू 1 लीटर मिलेगा इतों 40 रुपए नू सो अपनी बोतल लेके आओ 20 रुपए लीटर भरवा लो ऑब्वियसली यार एड्डी उच्ची पानी लेके आना कड़क तो सौखा है सो अंकल बिजनेस 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 आइडियाज आ गए बिजनेस करने दे भाई आप राजस्थान से ही हो रेगिस्तान में पानी की वो कंटेनर रख लो 20 रुपए 25 रुपए अच्छा कितने गंदे लोग हो यार हम सेवा करो यार सेवा करो अब वो अंकल तो चलो इतनी दूर बेचारों ने चढ़ के आना वो मेहनत है है ना अंकल जी कल जाता है कि कूड़ा कम पैसा कम डस्टबिन खाली रहे मोदी जी को बोलने ना पड़े कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हाँ जी बिल्कुल दोस्तों ट्रैक करना थोड़ा जा मुश्किल तो है बट ट्रैक करते हुए रास्ते दे जेड़े व्यूज देखते हैं ना वो बंदे नू मजबूर कर दिया बार बार ट्रैक करने ये तो माड़ी माड़ी जगह बैठी हाँ भाई ओ दे किसी गुफा दे बैठ उत्ते वही अपना घर पाया के हैं लोगों ने ये मेरे फोन में लास्ट शॉट सी दोस्तों इस तो बाद मेरा फोन बंद हो गया इदों अगे का पार्ट देखने लिए चैनल कर लो सबसक्राइब पार्ट आएगा बहुत जल्दी ये पार्ट कि लगा सूँ कमेंट करके जरूर दस्यो लाइक करना नहीं करना थोड़ी अपनी मर्जी आपको कुछ नहीं कहते भाई।